अंतरिम सिनलुंग हिल्स काउंसिल के 12 नियुक्त सदस्यों को शुक्रवार को आइजोल के जिला आयुक्त कार्यालय में शपथ दिलाई गई। आइजोल के उपायुक्त ए मुथमाम ने नए सदस्यों को शपथ दिलाई। मणिपुर में स्थित एक चर्च के नेता ललथलियन को मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई है, जबकि हमार पीपल्स कन्वेंशन के कार्यकारी अध्यक्ष एलटी हमार ने अंतरिम परिषद के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। इसी साल 2 अप्रैल को मिजोरम सरकार और हमार पीपल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सिनलुंग हिल्स काउंसिल की स्थापना परिषद को उच्च राजनीतिक और वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए की गई थी। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक अंतरिम परिषद 6 महीने की अवधि के लिए होगी और आइजोल जिले के डिप्टी कमिश्नर 30 दिन के भीतर अंतरिम परिषद के पहले सत्र को बुलाएंगे और सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। अंतरिम परिषद की अवधि समाप्त होने के बाद परिषद के सदस्यों को परिषदीय क्षेत्र के लोग निर्वाचित करेंगे। रानी अनानास के बाद अब दुबई में स्थानांतरित होने की क्यू नस्ल के अनानास की बारी है। क्यू नस्ल के अनानास की खेती 79 जिले के तहत 625 हेक्टेयर भूमि समेत कुमारघाट ब्लॉक के तहत 347 हेक्टेयर भूमि में की जा रही है। दारचोई में उगाए जाने वाले क्यू नस्ल के अनानास सबसे स्वादिष्ट होते हैं, जिसकी खेती ज्यादातर दालोंग समुदाय के जनजातीय लोग करते हैं। हालांकि उन्हें अनानास की खेती से खास लाभ नहीं होता, लेकिन अब सत्तारूढ़ सरकार के अनानास के उत्पादन और विदेशों में इसके निर्यात को महत्व दिए जाने के बाद स्थानीय किसान जी जान से अनानास की खेती में जुट गए हैं। विधायक भगवान दास, सुधांशु दास और बागवानी विभाग के अधिकारी कृष्णा चक्रवर्ती की उपस्थिति में 1.5 टन क्यू नस्ल अनानास दुबई स्थानांतरित किया गया। ये एक कोशिश मतलब स्टार्ट किया है कि कहां कहां ये भेज सकते हैं हम लोग, तो इसी सिलसिले में पहला जो कदम है ये है दुबई में पाइनएप्पल भेज दे। दिस इज फर्स्ट टाइम, तो पहला कदम है यहाँ। तो उसके साथ ये भी हो रहा है कि यहाँ का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया में, जितनी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो जो 4 है, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, तो ये सारे के सारे मेट्रोपॉलिस में हम लोग मतलब पब्लिसिटी कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है कि उस जगह में अगर प्रमोशन कर सकते हैं, वहाँ पे अगर बिजनेस हो सकता है, तो वहाँ से जो एक्सपोर्ट का जो सुविधा बहुत मतलब तुरंत हो जाएगा। किसानों को तत्काल उनके उत्पादनों का भुगतान भी किया गया। सिक्किम आक्रमण एफसी टीम के पूर्व खिलाड़ी किल्प नामग्याल बरफुंगा आगामी भूटान नेशनल फुटबॉल लीग में पारो एफसी की ओर से खेलेंगे। उन्होंने भूटान में पारो एफसी टीम में ज्वाइन कर लिया है। पारो एफसी क्लब में ज्वाइन करने वाले बरफुंगा पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। आक्रमण 11 की टीम ने बरफुंगा को आगामी लीग के लिए शुभकामनाएं दी हैं। त्रिपुरा के गोमती जिले के अंतर्गत कारबुक में जनजातीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अभी भी एक व्यक्ति फरार है। बहरहाल पुलिस ने 5 आरोपियों से पूछताछ जारी रखी है। कल के रात माननीय एसडी महोदय मार्फत खबर आसे जे हासपाताले एकटा पेशेंट एसेछे माइनर गार्ल, जे দেখি সেখানে বিক্রিমে বাবা ছিল, বাবার সাথে কথা বলতে বললাম,
ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি, অ্যাকচুয়ালি মানে কী মানে ঘটনাটা কী। ডাক্তারও বলেছেন যে না তিনি একটা মানে ইন্টারকোর্সের একটা সিমটমস পেয়েছেন। তো এই খবরটা পাওয়ার পর আমরা ভিকটিম যে মাইনর গার্ল তাকে কমপ্লেন তো নেওয়া যাবে না, তো তার জন্য আমরা ভিকটিমের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি যে আমাদের অতিসত্ত্ব একটা কমপ্লেন দেওয়ার জন্য যারা যারা এই ঘটনাটা কর্মীর সাথে করেছে। আমি নিজে রেকর্ডিং করেছি, কমপ্লেন্টের বয়ান লিপিবদ্ধ করেছি এবং অনেকে পরেও শুনেছি। সেই মতো আমরা ছয়জনের বিরুদ্ধে একটা কেস নিয়েছি। তো ছয়জনের মধ্যে আমরা পাঁচজনকে এখন মধ্যে আমরা অ্যারেস্ট করতে পেরেছি, আর একজন এখনও পলাতক আছে, আশা করি অতি সত্বর অ্যারেস্ট হবে। छह लोगों के हाथों बलात्कार की शिकार 16 वर्षीय पीड़िता की हालत नाजुक है। जानकारी के मुताबिक मंजीत त्रिपुरा नामक एक व्यक्ति के साथ पीड़िता के प्रेम संबंध थे और दोनों सिर्फ फोन पर बातें करते थे। तारा नाम की एक मंजीत की मंजीत त्रिपुरा। आरोपी मंजीत शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है। प्रेमवश लड़की 8 जुलाई को अपने घर से भाग गई थी और 9 जुलाई को वापस लौट आई थी, लेकिन 11 जुलाई को मंजीत के फोन कॉल के बाद जब वह घर से बाहर आई तो एक वाहन में सवार 4 लड़के उसे उठाकर ले गए। लड़की के साथ गैंग रेप के बाद आरोपी उसे बेहोशी की हालत में उसके घर के सामने फेंक कर चले गए।